गांव बड़ोई के जोगिया मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा रंजिशन हमला करने का मामला सामने आया है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पठानकोट में भर्ती करवाया गया है। जानकारी देते हुए घायल व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति की हाथ की उंगली टूट गई व और भी कई चोटें आई हैं। सोमराज जी, मेरे नाल ने पुरानी रंजिश ले जानलेवा हमला किया मेरे ते। उहदे ते पंज बंदे सीगे, जिहदे ते एक जगजीत सिंह और दूजा सूरज, तीजा रूप लाल, तो दो बंदे जिहड़े अणपछाते सी। इन्हां पंजां ने मैनूं राड़ा नाल मारिया मौके ते। अगर मैं नहीं दौड़दा, उत्थों नहीं पल्टी लगदी मेरी, तो मेरी इन्हां जान मार देनी। पता नहीं कि रंजिश ली है ना, दो साल पहले जी साड़ी रंजिश वाई जी केस लगे साड़ा को, एस पी दे कोल इनकुआरी पई है। पहले चले करता केस, चले करता सर, पहले नहीं की ना, पहले मार कटाई तो हूँ की, उन्हें जान तो मारने वाले बेनत की कि यह जिंदा बार बार उन्नू मार दो। मेरे सर एक तो उंगल तोड़ती है, एक गोडा तोड़ता है, दूजा गिट्टा फैक्चर करता है, तो दूजा यह दूजे हाथ से भी राड़ दे लगी है, तीजा दूजा गोडा भी तोड़ता है। हम पता नहीं एक्सरे करके पता लगे कि फैक्चर है कि नहीं है। मैं प्रशासन को मांग करता कि मैं जी है ये न्याय मिलना चाहिए। 2.5 साल तो अं प्रशासन के मगर ही लगे हैं, अभी इनू हाथ नहीं लाया। जो प्रशासन ने किया वो ठीक है, अभी हूँ भी प्रशासन मांग करते हैं भी सानू न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपे एक्सरसमैन हाँ, मेरे बच्चे जो दोनों आर्मी से ना, मगर फिर भी साढ़े तो जरा जानलेवा हमला कर रहा। गौर प्रशासन ये कोई वो नहीं ले रहा, प्रशासन कोई ये जिम्मेवारी नहीं ले रहा कि भाई अगे तो ये नहीं करेगा। 2.5 साल तो साढ़ा केस चल रहा है, मगर ये फिर भी वो काम कर रहा बार बार। नाम मेरा शुभम कुमार सन ऑफ सोमराज, पिंड बड़ोई महला जोगियां दे रहने वाले अं पक्के। और 2.5 साल पहला साढ़े पिंड घरद्या नाल रंजिश वाजी हुई, जगजीत सिंह सन ऑफ पूर्ण सिंह रूप लाल, तो उन्होंने साले ही सूरज सर जोड़ी और 10-12 बंदे, उन्होंने घरद्या के मतलब ब्लेम किया और झूठे केस लाए गए, जिन्हें चाहे सच्चे पाए गए। उन्होंने DSP लेवल से इंक्वायरी वगैरह हुई और SP साहब तो इंक्वायरी हले भी पुट पाओ, और 3 बार इंक्वायरी हो चुकी है और हले तक कोई इंक्वायरी का कोई हल नहीं मिले। अभी दोनों भरा दोनों आर्मी च है और बापू साडा आर्मी की नौकरी करके आए हुए। प्रशासन ने सानू 2.5 साल तो इदा लटकाया होया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही साढ़े तो। अभी DSP SSP SP साहब तो और विदाउट मेरे CO साहब ने लैटर दिते हुए ने, SP साहब तो DGP साहब तो SDM साहब तो, उन्होंने उन्होंने लैटर से भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने साडा झूठे दोनों भरावों का नाम लिखा गया ही, जिहड़ा इंक्वायरी करके कटिया कर दिता गया। उस तो बाद हुण मैं कल नूं छुट्टी आया जदों घर, अज मेरे पिता जी सवेरे ड्यूटी से जा रहे ही, और इन्होंने पिता जी नूं कल्ले नूं घेर के उन्होंने जानलेवा हमला किया। और खुदा ना खासता रब की देन भी जरा बच गए ने, नहीं तो जिस हिसाब नाल हमला किया गया 5-7 बंदे रल के, तो उन्हों की जानलेवा कुछ भी नुकसान हो सकता जी। और मैं मंग करदा कि प्रशासन जल्दी तो जल्दी और सही जिहड़े अपराधी आ उन्हां ते सही कार्रवाई की जाए और सही सानू न्याय दिता जाए, और सानू पिछले 2.5 साल वाग नहीं लटकाया जाए, और प्रशासन बढ़ चढ़ के साडा ठीक है संजोग करे, क्योंकि अही फौज की सेवा करे, देश की सेवा करें, और साडा भी प्रशासन का हक बनता, साडा भी साडे नाल सहयोग किया जाए। +2 तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी, कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं, और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।